अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूँ फातिमा महर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सामिन हुसैन भक्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक रुझान के अमन अमान के मुस्तकिल कयाम के लिए शहरियों से मुशावरती और तजावीज़ के लिए अहम मीटिंग। इस मीटिंग में मीडिया नुमाइंदों की मीटिंग में शिरकत। मीटिंग थाना रुझान में SSO रुझान इसाक जान के हमराह SDPO सर्कल रुझान परवेज अख्तर खान अमदानी की जेर सदारत हुई। मीटिंग के अगराज व मकासद शहर में अमन की फिजा बरकरार रखना और पुलिस अफसरान ने मुअज्जिज़ी ने शहर से रुझान में शहर में अमन की फिजा बरकरार रखना और पुलिस अफसरान और मुअज्जिज़ीन शहर से रुझान में हालिया रोनुमा होने वाले वाकयात के बाद शहरियों से कयाम अमन के लिए तजावीज़ ली गई। मीटिंग के शुरुआत से खताब करते हुए SDPO रुझान परवेज अख्तर हमदानी ने कहा है कि रुझान में देरपा अमन कायम रखने और जुराम पेशा नासिर की सरकूबी और किला कमा करने के लिए अवाम के साथ तआवुन की अपील की गई है। SDPO का कहना था कि रुझान में अमन अमान कायम रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी है, जो रात को शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुसर मुसलह दश्त करने की हदायत दी। इस मौके पर शहरियों ने रुझान में स्ट्रीट लाइट रोशन न होने से शहर भर में तारीखी जिसके बाईस वारदातें होने का खदशा है। मौजी मार्केट, बनू मार्केट, शहर के वार्ड्स के मोहल्लों गलियों और चौक चौराहों को रोशन रखने की तजावीज भी दी गई। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।